भारत सरकार नीति आयोग के इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बागपत जनपद के रमाला थाना क्षेत्र में स्थित चेतना इंटर कॉलेज किशनपुर बराल में सबसे पहले अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया गया। लैब का शुभारंभ बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा किया गया। भारत सरकार के नीति आयोग के इनोवेशन मिशन के तहत इस लैब के खुलने से अब यहां के बच्चे 3D प्रिंटर्स व विशेष ड्रिल नवीन तकनीक अर्जित करेंगे, साथ ही रोबोट बनाना भी सीख सकेंगे। हमारे बच्चे अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे चिंतक बने और उनको शुरुआत से ही उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाए, इस प्रकार का वातावरण दिया जाए। अरे स्कूलों में आपने देखा हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर लेबोरेटरीज बनती थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को दिमाग में किस प्रकार नवाचार कैसे सीखें, शोध करना कैसे सीखें, नए तरह से किस प्रकार से सोचना सीखें, उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब जो है ये बनाया गया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि चेतना इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं शिक्षक हैं, उनको एक प्रकार से नया वातावरण देगा। हमारे बच्चे ठीक से नए सोच पाएंगे और ये हमारे उसके लिए इस प्रकार की भूमिका बनेगी कि हमारे बच्चे आगे चल के अच्छे शोधार्थी बने, अच्छे वैज्ञानिक बने और या अच्छे चिंतक बने। और चेतना इंटर कॉलेज में ये लैब जब सफल होगा, मुझको लगता है कि बागपत में जितने और भी हाई स्कूल इंटर कॉलेज हैं, उनके लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे स्कूल के अंदर भी इस प्रकार का लैब बनना चाहिए। भारत सरकार देने के लिए तैयार है, बहुत जगह ये टिंकरिंग लैब बन चुके हैं, लेकिन बागपत में ये पहला है, इसलिए मैं विशेष रूप से चेतना इंटर कॉलेज को बधाई देता हूँ। अच्छा हैदराबाद इस विद्यालय में, चेतना इंटर कॉलेज में हमने एक टिंकरिंग लैब बनाया है, नीति आयोग के सहयोग से बनाया है, केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया है, वहाँ से हमें ग्रांट मिली, हमने भी अपनी तरफ से बहुत इसको सुसज्जित करने में बनाने में प्रयास किया, मेहनत की है। बच्चों को इनोवेशनल नवाचार के बारे में कुछ नए सोच के अनुसार बच्चे कुछ करना चाहते हैं कर सकें, ये लैब थोड़ी मदद देगा, यहाँ से उनको कुछ दिशा मिलेगी, ऐसी आशा लेकर के हमने इसको यहाँ स्थापित किया। आज का जो कार्यक्रम था वो अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन का था, जिसके अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का आयोजन है। इसके अंदर बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि हो और कुछ नया इनोवेशन कर पाए, उसके लिए ये प्रयास था। और ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि किसी भी नेशन के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब वो डेवलपमेंट शिक्षा के स्तर पर अगर बच्चों को मिलने लगेगा तो बच्चों के अंदर एक रुचि होगी कुछ नया करने की, कुछ नया खोजने की। जो ये नयापन है, ये सब हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं से ही मिलता है। बच्चों को ये सीखने का जिज्ञासा जो बनी हुई है, बच्चे इसको प्रैक्टिकली रूप में करेंगे जी, और इससे बच्चे ज़्यादा सीख पाओगे, अपने को जो उनके मन की जिज्ञासा है वह पूरी होगी और क्षेत्र का विकास होगा। 6-7-8 के बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता कि आप लोग साइंस ले 11th में जाके या मैथ ले या बायोलॉजी ले, और वे भटक जाते हैं। कोई बच्चे जो होम साइंस के होते हैं वे मैथमेटिक्स ले लेते हैं अपने सहपाठी के साथ को, लेकिन वे भटक जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नई पहल की है, कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स चालू कर दिए। इसमें 78 लाख रुपए अनुदानित करके प्रत्येक कॉलेज को दिए जा रहे हैं, जो अच्छे ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज हैं उन्होंने पहल की हैं। वहाँ चेतना इंटर कॉलेज में हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया है। आगे भविष्य में जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश होगा, वोकेशनल कोर्स की लैब लगाई जाएगी और हमारे क्षेत्र के बच्चे जो जिसमें जो रुचि रखते हैं, साइंस के या मैथ के या आर्ट्स के हैं, उन्हें कक्षा 6 से ही उन्हें पहल हो जाएगी। कक्षा 6 से उन्हें मालूम होगा कि आप लोग साइंटिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या मास्टर।